हेलो दोस्तों, हिंड टेक्निकल वर्क की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपना एक दही बनाने वाली मशीन का सबसे छोटा ये सैंपल ले आए हैं। इसमें आप देख सकते हैं, ये बहुत छोटा साइज हमने बनाया है। अभी इससे पहले जो हमने साइज बनाए थे 500 केजी, 1000 केजी, 250 केजी, इस टाइप से हमने बनाए थे। अभी क्या हो रहा था कि हमारे पास डिमांड आ रही थी कि हमें छोटा से छोटा साइज चाहिए। मान के चलो किसी की किराना शॉप है और या फिर किसी का लस्सी का काम है, तो वो 50 केजी या 100 केजी के आसपास अपना दही जमाना चाह रहे थे। तो हमने उन्हीं की डिमांड पर यह सबसे छोटा कॉम्पैक्ट मशीन हमने बनाया है। इसमें 50 से 75 केजी एक बार में इसमें दही आ जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं, इसमें ये हमने पूरा SS बॉडी का बनाया हुआ है। मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ ये, ठीक है, पूरा SS बॉडी का, ये फुल्ली SS बॉडी का हमने बनाया हुआ है। चिलर और इंक्यूबेटर कंबाइंड है ये। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले क्या होता था, आपको इंक्यूबेटर अलग से लेना पड़ता था और चिलर अलग से लेना पड़ता था। अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना, दोनों कंबाइंड वाला सिस्टम मैंने इसके अंदर ये बना दिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, इधर हमने एक पैनल दिया हुआ है इंक्यूबेटर का और दूसरा पैनल दिया हुआ है चिलर का। अभी देख सकते हैं चिलर चल रहा है इसका, अभी 2 डिग्री के पेस पे टेम्परेचर आ रहा है। ठीक है, ये कैसे काम करता है थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपने दूध बॉयल किया, बॉयल्ड करने के बाद में उसका टेम्परेचर 45 लेके आए, फिर उसमें कल्चर ऐड करेंगे। कल्चर ऐड करने के बाद में जो अपना 5 केजी वाला मटका होता है या फिर कोई भी आपका ट्रे वगैरह है जिसमें भी आपको जमाना है इजीली, तो उसमें उसको फिल कर लेंगे कल्चर मिलाने के बाद। ठीक है, अब उस मटके को या फिर जो आपका ट्रे है जिसमें आपने उस कल्चर मिले हुए दूध को रखा है, उसको फिर इसके अंदर रख देंगे। अंदर इसको यहाँ से खोलेंगे, इसमें 2 ट्रे, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपको उनको सेट कर देना है। सेट करने के बाद में इसको अच्छे से लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको ये, अभी मैं इसको बंद करके दिखा देता हूँ, ये दोनों मशीनें अभी फिलहाल बंद हैं, आपको पीछे प्लग इन करना है और इसमें ये लाइटिंग ऑन हो जाएगी। यहाँ पे सारे में लाइट आ जाएगी, इसमें भी आ जाएगी, यहाँ पे चिलर के अंदर भी आ जाएगी और ये मेन लाइट आ गई। ठीक है, अभी आपको करना क्या है कि यहाँ पे इस वाले मोड को ऑन कर देना है। ठीक है दोस्तों, जब ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, जब ये ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे ये लाइट एक ब्लिंक करना शुरू कर देगी और यहाँ पे जो भी टेम्परेचर आ रहा होगा, अभी तो ये चिलर पे था, ठंडे पे था, तो अभी 3 डिग्री दिखा रहा है, लेकिन जब हम इसमें मटके रख देंगे तो अराउंड 40 to 45 के अराउंड इसमें टेम्परेचर आ जाएगा। अब उस टेम्परेचर को हमें 4 घंटे के लिए मेंटेन करना होता है। ठीक है, अब उसको मेंटेन करने के लिए हमने इसके अंदर ये इंक्यूबेटर बनाया है। अभी यहाँ पे ये 1 मिनट की इसमें टाइमिंग है, तो ये चालू हो जाएगा 1 मिनट में। 1 मिनट के बाद जब ये चालू हो जाएगा तो यहाँ पे ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमने जो टेम्परेचर सेट किया हुआ है इसको देख लेंगे, यहाँ पे 46 है, तो हम इसे अराउंड 40-45 अराउंड कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा टेम्परेचर 45 सेट हो चुका है, यहाँ पे 3 डिग्री चल रहा है और यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रही है। तो 1 मिनट के बाद जब ये अपना हीटर स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो टेम्परेचर है इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब इंक्रीज हो जाएगा ये 45 पे आ जाएगा। अभी अपनी मशीन ऑन हो गई है तो ये ग्रीन लाइट जल गया है। ठीक है, इंक्यूबेटर चलाते हुए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक ही टाइम पे एक चीज़ चलेगी। सबसे पहले आपको इंक्यूबेटर ही चलाना है, चिलर को बिल्कुल बंद कर देना है। ठीक है, इंक्यूबेटर चलाना है, चिलर को बंद कर देना है। जब यहाँ पे अपना ये सेट कर दिया, अभी इसमें क्योंकि काफ़ी हमने ये टेस्टिंग पे लगाया हुआ था तो अभी 10 डिग्री है, तो काफ़ी टाइम में ये बढ़ेगा, लेकिन जब इसमें अपना कल्चर मिला हुआ दूध रख देंगे 45 डिग्री, तो वो खुद ही ऑटोमेटिक 45 पे रहेगा। फिर उसको मेंटेन करने के लिए ये हीटर काम करता रहेगा। जैसे ही 45 से डाउन जाएगा तो ये ऑटोमेटिक उसको बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा और ऑटो कट हो जाएगा। मतलब अभी देखो ना, ये 3 था पहले, अभी 4 डिग्री हो गया है, तो इसका मतलब अंदर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है, तो जब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे 45 पे आके रुक जाएगा, तो वहाँ पे ये कट ऑफ हो जाएगी मशीन। ठीक है, 4 घंटे तक हमें इसको इंक्यूबेटर को चलाना है। जब हमने 4 घंटे हो जाएंगे तब इसको हमें बंद कर देना है, दही को देख लेना है क्या अपना दही जम गया है, और जम गया है तो कैसे जमा है। अगर उसमें थोड़ा पानी है तो उसको निकाल दें, या फिर उसको बाद में जब सील करेंगे आप तब निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद में इसको बंद कर देना है हीटर को,
ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसको हीटर को बंद कर देना है। हीटर को बंद करने के बाद में फिर ये अपना चिलर है और इसको ऑन कर देंगे हम लोग, ठीक है। अभी इसमें 3 मिनट की टाइमिंग हमने सेट की हुई है और इसके अंदर 1 मिनट की टाइमिंग हमने सेट की हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये बिलिंग करेगा, 3 मिनट के बाद में ये ऑन हो जाएगा। और इस पे जो हमने टाइमिंग सेट टेम्परेचर सेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये हमने टेस्टिंग के लिए -5 था, लेकिन हमें इसको +4 डिग्री पे करना है, ठीक है। ये हमने 4 डिग्री पे इसको सेट कर दिया है। अब जब ये इसका टेम्परेचर 4 डिग्री पे चल के 3 मिनट के बाद ये ऑन हो जाएगा, फिर ये ठंडा करना शुरू कर देगा, तो यहाँ पे ये घटना शुरू हो जाएगा। फिर ये 4 डिग्री पे जब आ जाएगा तो ये यहाँ पे इसको बंद कर देगा ऑटोमेटिक, ये 4 डिग्री पे मेंटेन कर देगा दही को। अप्रोक्स आप मान के चलें पहले 4 घंटे इंक्यूबेटर पे चलाना है, और अप्रोक्स जो 45 डिग्री से जब डाउन होके टेम्परेचर आएगा, लगभग 2.5 घंटे के अंदर अपना ये 4 डिग्री आएगा, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना, 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे के अंदर मिनिमम 4 डिग्री टेम्परेचर पे ये आके आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको चाहे जब ये 4 डिग्री पे आ जाए, चाहे तो आप इसको इसी के अंदर रहने दें, या फिर मार्केट से आपकी जो भी डिमांड आई है उसको आप सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले बैच को आप निकाल के डीफ्रीजर में स्टोक कर लीजिएगा और इसको बाद में आप सेल आउट कर सकते हैं, इसमें नेक्स्ट बैच आप डाल सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग लेवल के लिए ये वाला फ्रिज बेस्ट है, आप इससे अपना मार्केट टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी डिमांड कितनी है दही की, ठीक है। अगर आपकी डिमांड बढ़ती है, आपको लगता है कि दही का डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको बड़ा प्लांट लगा के देंगे। बड़े में मसलन ये है कि अभी आपने 50 kg पे थे, आप डायरेक्ट 500 kg पे जा सकते हैं, या फिर दोनों को मिला के ये 1000 kg पे जा सकते हैं। इसमें भी हम लोग वो सिस्टम कर सकते हैं, मान के चलो आपको 500 kg सेपरेट चाहिए, ठीक है, तो सेपरेट में ये दोनों 500 kg और 500 kg 1000 kg हो गया आपका। 500 kg इसमें इंक्यूबेटर आ जाएगा और 500 kg इसमें चिलर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कम्बाइंड ही चाहिए, मतलब दोनों चीज़ें एक में ही चाहिए, तो इसमें भी आपको ठंडा गर्म दोनों एक में ही करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 500 kg सेपरेट भी बन जाएगा और 500 kg अलग अलग बन जाएगा, सबके अलग अलग प्राइस होते हैं। आप हमें कॉल कर लें, हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसी के साथ में जो दूध को बॉइल्ड करने के लिए मशीनरी होती है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी हम देते हैं। इसके साथ में बॉयलर हो गया और BMC हो गया, ये कई सारी चीज़ें जो भी दूध से रिलेटेड है वो हम लोग बना के देते हैं, ठीक है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाएं, आप हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप पूरी जानकारी हमसे ले सकते हैं। हम लोग छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्लांट लगाते हैं, जिसमें आपका कोल्ड रूम, हॉट रूम और इंक्यूबेटर, चिलर, BMC और आपका पॉस्चराइजर, दूध पैकेजिंग मशीन, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, पूरा प्लांट सेटअप करते हैं। अगर आप भी इस टाइप की वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमें फॉलो करें, और अगर इस टाइप के आपका प्लांट लगवाना है किसी को, या कोई आपका रिलेटिव है या कोई आपका दोस्त है उसको लगवाना है, तो आप हमें उनसे कॉन्टैक्ट कराएं, हम उनका पूरी सहायता करेंगे, पूरा प्लांट सेटअप करके देंगे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन टेक्निकल वर्क्स, और हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें ऐसी वीडियो बनाने के लिए और ऐसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए। थैंक यू।